चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है सीखने में, क्योंकि हम शुरू से ही लगता है जैसे कि थोड़ा सा गलत तरीके से बच्चों को मैथ सिखाना शुरू करते हैं, इसलिए बच्चों को बाद में वो इंग्लिश और हिंदी की तरह रटने की आदत हो जाती है। मैथ्स को शुरू से लॉजिकली ही सिखाना चाहिए, जिससे उनके बचपन से ही उनके दिमाग में आ जाए। मैथ्स का मतलब होता है सोचना, समझना और फिर करना। रट नहीं सकते मैथ्स को, सिर्फ सोच सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। यानी कि मैथ्स में जो अगली चीज़ है वो पिछली चीज़ से किसी न किसी तरह से रिलेटेड है। ये चीज़ बताने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। मैथ को फन बनाने के लिए बच्चों को शुरू से ही लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, सोचने की शक्ति की। कोई चीज़ सोचना ज़रूरी होता है मैथ्स में अच्छा बनने के लिए। अब जैसे बच्चों में काउंटिंग सिखाते हैं, हम रटवा देते हैं 0 से लेके 100 तक, जी रटो 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि 0 या 1 या 2 है क्या चीज़ और ये क्यों एग्जिस्ट करता है। तो हम ये शुरू करेंगे पहले इसी चीज़ से। तो बताइए बेटा, ये क्या है? 0। 0, 0 का मतलब कुछ नहीं। कुछ नहीं, अभी मैं कहूँ कि यहाँ पे एक टॉफी है तो क्या बोलोगे आप? है टॉफी? है? यस। नहीं है? नहीं है। तो 0 टॉफी। 0 टॉफी। कितनी टॉफीज है यहाँ पर? 0। 0 नहीं, 0 टॉफीज। 0 टॉफीज। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? पेन। कितने पेन है? 1 पेन। 1 पेन, यस। अब कितने पेन है? 0 पेन। यस है, लेकिन 0 है। और आप कितने हैं? 1 पेन है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट इनको बिल्कुल शुरू से समझाना चाहिए कि 0 भी अपना एक नंबर है, जो कि सबसे फर्स्ट नंबर है। सबसे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। अब नंबर क्या चीज़ है? नंबर का भी कॉन्सेप्ट इनको शुरू से पता होना चाहिए कि इसको हम डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको बेटा? डिजिट। डिजिट, इसको हम डिजिट कहते हैं। इसको शुरू से बताना चाहिए डिजिट, 0 इज अ डिजिट। अब और डिजिट्स बताओ, अब बनाना बोलना शुरू करो। कौन कौन से डिजिट्स हैं हमारे पास? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यस, सिर्फ इतने ही डिजिट्स हैं। यही डिजिट्स आगे सारे नंबर फॉर्मेशन में आप योगदान करते हैं। अगर कोई नंबर 1, 2, 7 लगता है तो नया नंबर बन जाता है, बट हमारे बिगनिंग में हमारे पास जो डिजिट्स है, नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स कितने होंगे फिर बताओ? 9। नो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने डिजिट्स हो गए? 10। हाँ, तो हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। डिजिट्स हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दीज आर द डिजिट्स। क्या कहते हैं इनको हम? डिजिट्स। क्या कहते हैं हम इसको? बोलो, डिजिट्स। अब जब डिजिट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? नंबर। डिजिट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? नंबर। और फिर और नंबर बड़े बड़े होते चले जाते हैं तो उनको न्यूमरल्स कहते हैं। न्यूमरल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बच्चों को शुरू में ही ये सब बताना चाहिए, इससे बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि यस, ये समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश। ये 0 है डिजिट है, 1 है डिजिट है, 2 है डिजिट है, 3 है डिजिट्स है, ठीक है। अब हम आते हैं कि 0 है कि क्या है यहाँ पर? 0 है, बिल्कुल कुछ नहीं का मतलब हो गया 0। हम 0 में जब हम प्लस 1 करते हैं तब हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है वो बन जाता है, ठीक है। अब जो उससे अगला डिजिट हमारे पास 2, 2 कहाँ से आया? 2 अपने आप में कुछ नहीं है, 2 पिछले वाले से रिलेट होकर नया बना है। यानी कि पिछला क्या था हमारे पास? या तो 0 थे और या 1 था। जब 0 में हमने प्लस किया 1 तो बना 1, और फिर 1 में 1 प्लस किया तो बना 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 की फॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट डिजिट क्या आ गया? 3। 3 अपने आप में कुछ नहीं है, 3 0 से शुरू करते हैं तो 0 में 1 प्लस करेगा 1, 1 में 1 प्लस करेगा तो 2, और 2 में 1 प्लस करेगा तो 3। तो ये मतलब हुआ 3 का मतलब। अकेला 3 कुछ नहीं है,
थ्री निकला कहाँ से? जीरो से निकला है. कैसे निकला है? इस तरह से निकला, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, एंड टू प्लस वन इज इक्वल टू टू. देखिए आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इस तरह से बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे तो बच्चे के दिमाग में शुरू से ही प्लस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इज इक्वल टू का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि ये चीज़ यहाँ से निकली है. तो शुरू से उसके ब्रेन में लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाएगी. मैथ्स का मतलब ही लॉजिकल थिंकिंग, वो दिमाग लगाना शुरू कर देगा, ये चीज़ कहाँ से आई, वो चीज़ कहाँ से हुई, ये वो कैसे हो गया. तो ये चीज़ हम शुरू से डेवलप कर देंगे. तो बच्चा आगे धीरे धीरे मैथ्स में जब एक्सपर्ट होने लगेगा तो उसको कभी भी मैथ्स डिफिकल्ट नहीं लगेगा. अब इसके बाद हमें 9 तक इसी तरह का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना चाहिए. ठीक है, जब हम 9 तक सिखा दें तो अब हम सीधे रिवर्स काउंटिंग पे आ सकते हैं. अब हमें इसके बाद हमें रिवर्स काउंटिंग बतानी चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए. रिवर्स काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि अभी ये 9 तक तो पहुंच गया, 9 से उल्टा कैसे चलना है. तो 9 से उल्टा चलने के लिए उसको बता देंगे कि भाई 9 में अगर हम 1 माइनस करें तो क्या आएगा? 8. अगर 9 में 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 7. अगर 9 में 3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 6. इस तरह से क्या होगा, देखिए उनको माइनस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और उनको ये भी पता चल जाएगा कि 9 हर नंबर से किस तरह से रिलेटेड है. तो रिवर्स काउंटिंग करेंगे, फिर उसके बाद 8 का कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर 7 का बताएंगे, फिर 6 का बताएंगे, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1. आपको क्या लगता है अगर हम इस तरह से शुरू से बच्चों को सिखाएं तो हमें आगे उसको अगली चीज़ बताने में, फिर प्लस मल्टीप्लाई बताने में, फिर कुछ भी बताने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ वो शुरू से समझता आ रहा है कि कोई नंबर किसी चीज़ से कैसे रिलेटेड है. तो बहुत आसानी से बच्चे के मन में एक मैथ्स के लिए एक लाइकिंग दे पाएंगे कि हाँ अच्छा आज मजा आएगा, आज हम ये चीज़ सीखेंगे, इस तरह से करेंगे. तो इसी मेथड से फिर आगे और भी तरीके जो शुरू दूसरी दूसरी चीज़ें सिखाएंगे उनको कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, और ना वो आपके पीछे पीछे भागेंगे मम्मी इसका क्या मतलब होता है, मैम इसका क्या मतलब होता है. वो खुद रिलेट कर पाएंगे पिछली चीज़ से अगली चीज़ को, और खुद ही आपको तरीका भी बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए मुझे, इसको प्लस करें कि माइनस करें कि मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, जिससे हमें मैथ सीखने में उनको सिखाने में भी आसानी होगी और बच्चा सीखने में भी एंजॉय करेगा. आई होप कि मेरा ये लेसन आपको पसंद आया हो. पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए.